ग्राम पंचायतों में पंचायती नुमाइंदों को कानून की जानकारी दिलाने के लिए वीडियो सभागार में 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें वीडियो अस्मिता ने शिरकत की और वर्कशॉप में मौजूद हमीरपुर मंडल के पंचायत वार्ड सदस्यों व प्रधानों को कानून संबंधी जानकारी दी। ग्राम पंचायतों में पंचायती नुमाइंदों को कानून की जानकारी दिलाने के लिए वीडियो सभागार में 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें वीडियो अस्मिता ने शिरकत की और वर्कशॉप में मौजूद हमीरपुर मंडल के पंचायत वार्ड सदस्यों व प्रधानों को कानून संबंधी जानकारी दी। पंचायत स्तर पर ही ग्रामीण मामलों को सुलझाने के लिए वार्ड सदस्यों को कानून की बारीकियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वीडियो हमीरपुर अस्मिता ने बताया कि वार्ड सदस्यों को कानून की जानकारी दी जा रही है, जिसमें गांव में वार्ड सदस्य किस तरह से लोगों के विवादों में काम करें और फैसले दें। इसके अलावा वार्ड सदस्यों को सभी प्रकार के मामलों के बारे में भी बताया जा रहा है कि किस मामले में क्या करना है और कौन सा मामला पुलिस के पास फॉरवर्ड करना है। शिविर में स्वागत है। और कल भी आपने जो आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है पंचायतों में, उसके रिगार्डिंग पीआई साहब ने भी कल आपको डिटेल में बताया होगा, या और भी हमारे जो लेक्चर देने के लिए आए होंगे उन्होंने भी आपको बताया होगा कि उसमें क्या क्या प्रोविज़न होता है और किस तरह से करना चाहिए। उसमें जो रूल एंड एक्ट में प्रोविज़न है उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। देखने जब जाना है स्पॉट पे तो क्या होना चाहिए, डिसीजन जब देना है तब क्या होना चाहिए, अगर कोई आपका डिसीजन फॉलो नहीं करता है तब आपने क्या करना है, और यदि वो आपके ज्यूडिक्शन में नहीं आता है पंचायत के तब आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कौन से केस ऐसे हैं जो पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। कौन से आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं उनको किस तरह से आपने फर्दर एसडीएम को या यदि वो पुलिस विभाग से संबंधित हैं उनको फॉरवर्ड करना है, इन सारी चीज़ों का जो है वो आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। कई जगह हम लोग पंचायतों में कंप्लेंट आ जाती है हमारे पास कि जी ये मैंने पंचायत में दिया था और ये गंदे पानी की जो समस्या है वो है हमारे घर में अंदर घुस रहा है या लोग उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने पंचायत में दी होती है। जब वो रिटर्न में आपके पास एक एप्लीकेशन आती है तो उसमें ये ड्यूटी बनती है आप लोगों की कि उस केस को जो है वो रजिस्टर करवाया जाए। वहीं वर्कशॉप में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि 2 दिवसीय वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखने को मिला है और वर्कशॉप में कानून की जानकारी मिली है, जिससे पंचायत में विवादों को निपटाने में मदद मिलेगी। इस वर्कशॉप में आप पधारे। इस वर्कशॉप का मेन मकसद था प्रधान उप प्रधान वार्ड मेंबर को अवेयर करना कि कानून प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना। कई बार प्रधान ऐसे स्टेप उठा देते हैं जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो कई एक्ट बीच में ऐसे हैं जो प्रधान इस वर्कशॉप के माध्यम से उन एक्ट को सीखने का मौका मिला और उससे हम सीखे, जागरूक हुए वार्ड मेंबर उप प्रधान। और मैं चाहता हूँ कि सभी प्रधान अपनी ग्राम पंचायतों में जो यहाँ सीखने को मिला वो उसको अच्छे ढंग से पंचायतों में लागू कर पाएंगे। जो हमारी 2 दिन की वर्कशॉप थी 16-17 को, उसमें हमें बहुत अच्छा बताया जो हमारे केसेज हैं और जो कामों के बारे में भी, हमें बहुत अच्छा रहा जो हमारी वर्कशॉप थी। जो केसेज हैं हमारे उसमें बताया कि आपने जो केस है वो 90 दिनों के अंदर जो वो आपने उनको सॉल्व करना है, और जो हमारी जिसमाई से बाहर है जैसे पुलिस का केस है वो पुलिस को भेजना है, और जो केसेज हैं वो इसके रेवन्यू के वो भी हमने भी सुनने हैं, वो उनको भेजने हैं। बाकी जो वर्कशॉप मैंने बताया उससे हमें नॉलेज होगा। कार्यक्रम में वक्त चला छोटे ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।